गोड्डा के गांधी मैदान में परिवर्तन यात्रा को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि झारखंड में गठबंधन की बेईमान सरकार चल रही है। जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी ने 5 सालों में झारखंड को तबाह कर दिया है। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार में ना माटी, न बेटी और न रोटी सुरक्षित है। बड़ी संख्या में घुसपैठियों के आने से झारखंड की ज़मीन पर कब्जा हो रहा है। क्या झारखंडी इसे सहन करेंगे? हेमंत सरकार वोटरों के लालच में घुसपैठियों को आधार कार्ड और वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवा रही है। यही है हेमंत सरकार की असली सच। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने सरकार की विफलता पर सवाल उठाते हुए कहा कि हेमंत सोरेन ने 5 लाख सरकारी नौकरियों का वादा किया था, लेकिन क्या झारखंड के युवाओं को नौकरी मिली? इस सरकार ने युवाओं को वर्दी के बजाय कफन दिया। शिवराज सिंह ने वादा किया कि भाजपा की सरकार बनने पर ओडिशा के तर्ज पर झारखंड में भी 3000 क्विंटल की दर से धान खरीदा जाएगा। मोदी जी ने हर बहन को लखपति बनाने का संकल्प लिया है और हमारी सरकार बहनों की आमदनी 1 लाख रुपये से ज़्यादा करने की लक्ष्य लेकर चल रही है। शिवराज सिंह चौहान ने जनता से अपील करते हुए कहा कि हेमंत सरकार कई लालच दे रही है। 1000 रुपया देंगे, यह कर देंगे, वो कर देंगे, इनकी लालच में मत आना। हेमंत सोरेन आएगा, दाना डालेगा, डाल बिछाएगा, लेकिन अब फंसना नहीं है। इसके जाल में फंसोगे तो फड़फड़ाते रह जाओगे। आज भाजपा परिवर्तन यात्रा के माध्यम से झारखंड को बचाने और माटी, बेटी और रोटी की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। भाजपा झारखंडियों की जिंदगी और तकदीर बदलेगी। की रक्षा के लिए आदरणीय मामा जी को यहाँ की महिलाओं ने, यहाँ की आम जनता ने अक्षत दिया है और मिट्टी दिया है, ताकि झारखंड की महिलाओं का सम्मान बचा रहे। हेमंत सोरेन की सरकार में जो महिलाओं के साथ उत्पीड़न हुआ है, उसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता को यहाँ मिट्टी और अक्षत दिया गया है। आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान, मेरी बहनों, ये माटी और ये चावल जो आपने दिए प्रधानमंत्री जी को देके, मैं कहूंगा झारखंड की बहनें कह रही है माटी बचाओ, बेटी बचाओ, बचाओ और रोटी बचाओ। इस माटी की कसम मेरी बहनों, तुम्हारी तरफ कोई आंख उठा के नहीं दे पाएगा, देख पाएगा। माटी भी बचेगी, बेटे भी बचेगी और रोटी भी बचेगी। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। बनाइए बीजेपी की सरकार, यही मेरा निवेदन है।